अगर आप भी ढूंढ रहे हैं सरकारी नौकरी तो अभी सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स को इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर और इस घंटे को दबाइए और किसी भी सरकारी नौकरी को। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स में। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडियन एयरफोर्स से जुड़े कुछ क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस है ये जो है काफी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। कोई जो है सिंपल डाउट्स मैं आपकी जो है क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे पूछा जा रहा था वो दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के एडमिट कार्ड कब आएंगे। ये क्वेश्चन दोस्तों काफी इम्पोर्टेंट है और आपको यूट्यूब पर काफी ऐसी वीडियोज मिल जाएंगे जिसमें बताया है कि अब आएंगे या फिर जो है इस तारीख को आएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको एक फाइनल डेट नहीं बता सकता हूं, लेकिन जो सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से बताया जा रहा है वो कह रहे हैं कि जो एग्जाम है वो मई में कंडक्ट कराया जाएगा, तो जो है अप्रैल के लास्ट वीक में जो है आपके एडमिट कार्ड आने की पॉसिबिलिटीज है। लेकिन दोस्तों बिल्कुल कन्फर्म नहीं है, लेकिन काफी हद तक जो है अप्रैल के लास्ट में आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या एग्जाम ऑनलाइन होगा। तो दोस्तों, जो एग्जाम है वो ऑनलाइन होगा, बिल्कुल जो है ऑनलाइन होगा, क्योंकि काफी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। अब की बार जो है शिफ्ट्स में भी कुछ पेपर जो है आपका हो सकता है। सबके एडमिट कार्ड जो है क्या आएंगे, ये अगला क्वेश्चन है कि क्या सबके एडमिट कार्ड आएंगे। बिल्कुल जो है सबके एडमिट कार्ड आएंगे, क्योंकि जब जो एडवर्टीजमेंट था उसमें भी जो है बिल्कुल साफ कहा हुआ था कि सबके एडमिट कार्ड जो है प्रोवाइड कराए जाएंगे। सबकी जिन जिन की जो है फीस कंप्लीट हुई थी उनके जो है एडमिट कार्ड 100% आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है कि एग्जाम कब होगा। जो एग्जाम आपका होगा वो जो मई है उसके फर्स्ट वीक में होगा, यानी जो मई का फर्स्ट वीक है उसमें आपका जो है एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ये जो मैंने जो है सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड की जो वेबसाइट है उस पर जो है अनुमान से बता रहा हूं कि जो आपका एग्जाम है वो मई के फर्स्ट वीक में कंडक्ट कराया जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है कैसे आपको जो है पेपर अटेम्प्ट करें, कैसे आप जो है एग्जाम को अटेम्प्ट करें कि आप जो है मैक्सिमम मार्क्स ला सकें। तो दोस्तों, मैं आपको एक्स ग्रुप के बारे में इतना नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो मैंने वाई ग्रुप का एग्जाम दिया है उसमें मैं आपको बता सकता हूं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि कैसे आपको जो है अपना एग्जाम अटेम्प्ट करना है। तो मेरे हिसाब से आपको जो एग्जाम अटेम्प्ट करना है वो सबसे पहले आपको जो अटेम्प्ट करना होगा वो वहां पर जो है तीन सब्जेक्ट आते हैं। सबसे पहले आपकी आती है इंग्लिश, उसके बाद आती है आपकी रागा। इसमें दोस्तों आपकी जो सिंपल रीजनिंग होती है और जो जनरल मैथ होता है और जनरल जो है नॉलेज होती है। ये क्वेश्चन आपके जो है इसमें मिक्सर होता है रागा में इन क्वेश्चंस का। तो दोस्तों आपको जो है सिंपल अटेम्प्ट करना होगा। अगर आपको इंग्लिश स्ट्रांग है तो आप इंग्लिश से शुरू कीजिए और उसके बाद जो है ये क्वेश्चन दोस्तों आपको मिक्स मिलेंगे, आगे पीछे जो है मिलेंगे। तो आप जो है अपने अकॉर्डिंग जो है एक प्रिपरेशन के हिसाब से जो क्वेश्चन कीजिए। अगर मैं आपको कहता हूं कि आप जो है सबसे पहले जीके अटेम्प्ट कीजिए, अगर आपको जीके नहीं आती है तो कोई फायदा नहीं है उसे पहले अटेम्प्ट करने का। जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है जिसे आप कम से कम टाइम में कर सके वो सबसे पहले अटेम्प्ट कीजिएगा। इंग्लिश में आपको मिनिमम 12 से 13 मार्क्स जो है पासिंग के लिए चाहिए, चाहे आपके रीजनिंग में 30 क्वेश्चन हो और आपका जो है इंग्लिश में अगर 10% ठीक है यानी 10 क्वेश्चन आते हैं तो दोस्तों आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश में मिनिमम पासिंग मार्क्स 12-13 होते हैं। तो आप जो है अपने अकॉर्डिंग जो है एग्जाम को अटेम्प्ट कीजिए, किसी की मत सुनिए। आपको जो है मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्कोर करना है तो आप अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से एग्जाम को अटेम्प्ट कीजिए। आपके उम्मीद करता हूं कि आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। एयरफोर्स के जो एडमिट कार्ड है वो अप्रैल के लास्ट वीक में आएंगे, एग्जाम ऑनलाइन ही होगा, सबके एडमिट कार्ड आएंगे, एग्जाम जो है मई के फर्स्ट वीक में होगा। अटेम्प्ट आप जो है अपने अकॉर्डिंग कीजिए, अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग कीजिए। जो आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग है सबसे पहले उसे लीजिए और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं लास्ट में उनके जो है तुके मार दीजिए, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब की बार कहा भी जा रहा है कि नेगेटिव मार्किंग हो सकती है और जो क्वेश्चन पेपर है वो थोड़ा बहुत टफ आ सकता है, इसीलिए कंपटीशन इंक्रीज करेगा। और दोस्तों, अगर आप कट ऑफ के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक और वीडियो का लिंक दे दिया है, उसमें आपको जो है कट ऑफ के बारे में पूरी डिटेल में बताया है एक्स और वाई ग्रुप की, एक्स और वाई ग्रुप से रिलेटेड उसमें हर एक क्वेरी आपकी जो है क्लियर कर दी गई है। तो वीडियो देख लीजिएगा, ऊपर आई कार्ड और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपके डाउट क्लियर हो गए हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। YouTube पर आपको काफी ज्यादा वीडियोज मिल जाएंगी इससे रिलेटेड, लेकिन दोस्तों वो फेक है, बिल्कुल फेक है। मैं नहीं कह रहा हूं कि सारी फेक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी मैंने काफी वीडियोज देखी है, उनमें सिर्फ जो है आपको ऐसे ही जो है
कंफ्यूज किया हुआ है। तो दोस्तों अगर आप जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कट ऑफ के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कीजिए। मैं कहता हूं कि अगर आप जो है टारगेट है आपका एयरफोर्स ज्वाइन करने का, तो कट ऑफ की वीडियोस तो बिल्कुल भी मत देखिएगा, क्योंकि वो आपको सिर्फ कंफ्यूज करेंगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। सॉरी दोस्तों, एक क्वेश्चन जो मैंने कल पूछा था कि आपका जो है जो बुक है विंग्स ऑफ फायर, वो बुक किसने लिखी थी, ये क्वेश्चन मैंने कल की जो वीडियो बनाई थी उसमें आपसे पूछा था कि विंग्स ऑफ फायर यानी जो बुक है ये बुक किसने लिखी थी, ये बुक किसने लिखी थी। तो इसका जो आंसर है, ये बुक दोस्तों APJ अब्दुल कलाम जी ने लिखी थी। अब्दुल कलाम जी ने ये बुक लिखी थी, ये क्वेश्चन मैंने आपको कल की वीडियो में पूछा था। काफी कमेंट जो है इसके इस क्वेश्चन के उत्तर भी जो है काफी कमेंट्स में आए थे। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए कोई क्वेश्चन नहीं दूंगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।